हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एक सिंपल से प्रोग्राम के बारे में। जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना सिखाया था, ऐसे ही मैं कुछ और स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे सकता हूँ, जैसे कि आई एम अनवित शर्मा प्रिंट एफ माय फ्रेंड नेम इज अपूर्व यादव। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, एक प्रॉब्लम आएगी, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना कुछ करा भी आपके सामने। देखिए, आप इसका आउटपुट पे जरा गौर करिए। मैंने दो अलग अलग लाइन में लिखा था, आई एम अनविश शर्मा, माई फ्रेंड नेम इज अपूर्व यादव। आई एम अनविश शर्मा, माई फ्रेंड इज अपूर्व यादव, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आया, ये पूरा का पूरा मर्ज हो गया। इस वजह से आपको रीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। अब इस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि एक प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है वो किसी चीज़ को प्रिंट करवाता है। अब जैसे आई एम अनविश शर्मा है, तो उसके बाद अगर मैं स्पेस दे दूँ यहाँ पर, तो कंटिन्यूटी में ये स्टेटमेंट के पहले वो स्पेस जनरेट कर देगा। देखिए, शर्मा और माय में यहाँ पे स्पेस आ गई, क्योंकि यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है। मैं अगर इस चीज़ को मान लीजिए, मैं इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे स्पेस देकर पेस्ट भी कर देता हूँ, ये ब्रेसेस लगाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए मैं इसको पेस्ट भी कर देता हूँ और इस लाइन को हटा ही देता हूँ, तो भी आपका सेम आउटपुट जनरेट होगा। देखिए, बिल्कुल सेम आउटपुट आपका ऐसा कैसा जनरेट हो रहा है। अब दो लाइन में अगर आपको लिखना है, मान लीजिए दो लाइन में लिखना है और अलग अलग लाइन में लिखना है, जैसे कि अभी मैंने जैसे अलग अलग लाइन में तो लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर अपन स्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं। स्लैश एन क्या करेगा, लाइन को चेंज कर देगा। आप देखिए, आई एम अनविश शर्मा एंड माई फ्रेंड नेम इज अपूर्व यादव, तो ये लाइन अगली लाइन पर शिफ्ट हो गई। ये सिर्फ हुआ इस स्लैश एन की वजह से। आपको बता दूं, यहाँ पे हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो लाइन को वहाँ पे टर्मिनेट करता है और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाता है। अगर आप वहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो वो एक एरर जनरेट करेगा। ये हुआ स्लैश एन के बारे में। अब मान लीजिए आपको एक स्पेस देनी है बहुत सारी, पर एक सिंक्रोनाइज वे में भी चलना है। सिंक्रोनाइज में का मतलब एक अच्छा भी दिखना चाहिए आपका थोड़ा प्रोग्राम, तो आप स्लैश टी का यूज़ कर सकते हैं। स्लैश टी क्या करेगा, एक फिक्स नंबर ऑफ स्पेस प्रोवाइड कर देगा आपके प्रोग्राम को। ये देखिए, टैब बराबर स्पेस प्रोवाइड करता है। टैब का मतलब होता है पांच स्पेसेस, तो पांच स्पेस आपकी वो प्रोवाइड कर देगा। और भी चीजें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न जीरो ना दूं तो क्या फर्क पड़ेगा आपको, मैं ये दिखा देता हूँ। कुछ फर्क पड़ा नहीं। ये था चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता था कि रिटर्न जीरो आप नहीं दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके सिंपल प्रोग्राम में, पर हाँ, जब प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और जहाँ पे कोई रिटर्न वैल्यू नहीं हो रही होगी, तो वो पक्के से आपको एक एरर जनरेट कर सकता है जिससे आपको एक प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आप रिटर्न जीरो हर प्रोग्राम में लिख दीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। तो आगे और नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और आपको समझाऊंगा और नई इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मास्टर जी, थैंक यू।